एवीपी समिति। ये एमपीपीएससी 2019 में 3 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, जैसे आप फोटो देख ही रहे होंगे, ये कौन है? जवाहरलाल नेहरू। और ये कौन है? वल्लभ भाई पटेल। और ये कौन है? पट्टाभी सीतारामैया। तो यही होगा जे वी और पी। तो अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि 3 मार्क के हिसाब से आपको क्या बात लिखनी चाहिए। सबसे पहले, कमेटी कब बनी और रिपोर्ट कब सबमिट की, ये तो होना ही चाहिए। दिसंबर 1948 में समिति बनी है और अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट दे दी है। ठीक, पहला पॉइंट हो गया ये। दूसरा पॉइंट, जेवीपी इसको क्यों बोला? क्योंकि इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की चेयरमैनशिप में बनी है। ठीक, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, अब ये बता दिया जाए कि इसकी रिकमेंडेशन क्या थी, इसकी सिफारिशें क्या थी। तो सिफारिशें ये थी कि इसने डिसमिस कर दिया था ये आइडिया कि राज्यों का जो पुनर्गठन है, राज्यों का जो पुनर्गठन है वो भाषा के आधार पर हो। हालांकि समिति का ये मानना था कि यदि समस्या होती है तो इसका पुनर्परीक्षण किया जा सकता है, यदि समस्या होती है तो पुनर्परीक्षण किया जा सकता है ऑन पब्लिक डिमांड, इतनी बात इन्होंने बोल दी थी। ठीक, अब ये बात बोलते ही भयानक विरोध होने लग गया और दक्षिण भारत में एक कांग्रेस के लीडर थे कोटी श्री रामुलु, और इन्होंने अनशन कर दिया। 56 दिन तक अनशन चला, इनकी हंगर स्ट्राइक चली, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। इस बात से पूरे दक्षिण भारत में उत्पात मच गया। तो फाइनली सरकार पे इतना दबाव हुआ कि अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश बनाया गया, मद्रास राज्य से तेलुगु भाषियों को अलग करके। मद्रास राज्य में तेलुगु भाषा बोलने वाले लोगों को उनकी भाषा के आधार पर वहां से अलग किया गया और बना दिया गया क्या? आंध्र प्रदेश। तो ये बात थोड़ा सा, और ये पूरी बात हो गई कि भाई हमको जानकारी रहनी चाहिए जेवीपी समिति की। बाकी 3 बातें आपको इसमें लिखनी है। तो पहली बात आप ये लिखिए कि कब बनी और रिपोर्ट कब दी। दूसरी बात ये लिखिए इसमें थे कौन से लोग। तीसरी बात ये लिख दीजिए इसकी सिफारिश क्या थी। इतना अगर आप लिखते हैं तो ये 3 मार्क के हिसाब से एक परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक,